घायल हुए। कल कुरुक्षेत्र शाहबाद हरियाणा के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ किसान पे, जो किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे कि सूरजमुखी की फसल पे उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले 6400, जो सरकार ने डिक्लेयर किया है, लेकिन बाजार में मिल रहा है 3500-3800। किसान मांग कर रहे थे कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, लेकिन उनको क्या मिला? लाठियां। ये लाठियां प्रतीक हैं इस सरकार की वायदा खिलाफी की, जिस सरकार ने किसान आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए MSP को लीगल गारंटी का रूप देने की एक समिति की का वायदा किया। आज सरकार का वायदा खिलाफी का प्रतीक थी ये लाठियां प्रतीक है हरियाणा सरकार की बर्बरता की नीति की, जिसने हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों के अंदर लाठियों से हर वर्ग पर लाठी चार्ज कराने का काम किया है। ये लाठियां प्रतीक इस सरकार और भाजपा की किसान विरोधी चेहरे के प्रतीक थी। हम मांग करते हैं कि तुरंत हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में सूरजमुखी की फसल की खरीद शुरू हो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, सारे किसानों को रिहा किया जाए, जिनको चोटें आई हैं उनको सरकार कंपनसेशन दे, और हम मांग करते हैं MSP पे समिति गठित की जाए और MSP को कानूनी अमली जमा पढ़ाया जाए, जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने वायदा किया था। ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने जो उदयपुर डिक्लेरेशन में हुड्डा कमेटी द्वारा और रायपुर अधिवेशन में हुड्डा जी द्वारा गठित के नेतृत्व में जो समिति बनी कृषि संबंधित पे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है अगर किसी ये करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस की सरकार देश में आते ही MSP को कानूनी गारंटी देने का काम किसान को हम करेंगे। और सरकार से मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ, ये इस तरह से अगर हर रोज़ किसानों को MSP की मांग पर लाठियाँ मिलेंगी तो क्या किसानों को दोबारा से सड़क पर लाना चाहती है सरकार? क्या किसानों को दोबारा आंदोलन के राह पे लाने पे सरकार मजबूर करना चाहती है? इनकी क्या मंशा है? सर आपको उम्मीद है बेटियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि मंत्री जी हैं उन्होंने आज फिर बुलाया है उनको बात करने के लिए। देखिए, मंत्री जी ने बुलाया है, हम इंतजार करेंगे कि क्या बातचीत में निकलेगा। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट है, हम अपनी देश की बेटियों के साथ इस न्याय की लड़ाई में थे, हैं और रहेंगे जब तक देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार जिसने अपनी बेटियों की न्याय की इस गुहार को कुचलने के सारे अपने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए अपनी कार्यशैली से, और अपने ही जो है नए नए आयाम नए नए उदाहरण सेट किए जा रहे हैं किस तरह से बेटियों की आवाज़ को दबाया जाए। पहले साथ साथ हमारी बेटियों के कहने से कंप्लेंट से FIR दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट पे तो जाना पड़ा, वहाँ FIR दर्ज हुई, फिर FIR पे गिरफ्तारी नहीं डाली गई, पहला ऐसा उदाहरण देश में। नहीं तो कोई भी FIR ऐसी होती है उस पर गिरफ्तारी होती है, FIR भी करनी होती है और गिरफ्तार भी करना होता है, लेकिन सरकार ने ना FIR करी क्योंकि भाजपा के एक सांसद इसमें आरोपी थे। उसके बाद जब हमारी बेटियां मेडल लेके गई गंगा किनारे गंगा में डालने के लिए, ये खेल मंत्री जो आज बुला रहे हैं, खेल मंत्री से लेकर भाजपा के किसी मंत्री ने ये तक नहीं कहा, अपील तक नहीं करी कि आप रुक जाइए आपको न्याय मिलेगा। आज आप ट्वीट कर रहे हैं, तब भी ट्वीट कर सकते थे, क्या आपको मेडल की कीमत नहीं थी? मगर आपने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ मीडिया तंत्र को छोड़ दिया गया, सरकारी तंत्र मीडिया तंत्र को प्रभावित करके लीक किए जा रहे हैं, सेलेक्टिव लीक, कभी कुछ, और बेटियों को उनको जवाब देना पड़ रहा है ऐसे जैसे बेटियों का मीडिया ट्रायल चल रहा हो। ट्रायल तो होना चाहिए इस एक्यूज्ड का, इस आरोपी व्यक्ति पर ट्रायल होना चाहिए था, मगर ऐसा दिख रहा है कि बेटियों को ट्रायल मीडिया ट्रायल की तरफ झोंका जा रहा है। सरकार की कार्यशैली, कौन लोग हैं सरकार में जो इस तरह की कार्यशैली, एक भाजपा सांसद को बचाने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश सरकार के इस कार्यशैली